से इस वक्त हम गुजर खान में मौजूद हैं और एन ए बावन जो है एन ए बावन में सियासी जो गैमा गैमी है बड़े अरूज पर है सियासी गर्मा गर्मी भी नज़र आ रही है सारे के सारे शहर को मुख्तलिफ़ों से मुख्तलिफ़ बैनरों से मुख्तलिफ़ वोटिंग से सजा दिया गया है इलेक्शन की जो है वो इस वक्त जो है बहुत तेज़ी के साथ सरगर्मियाँ जारी हैं ये इलाका जो है एन ए बावन है यहाँ पर जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं राजा अजमत चैनी जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कहीं से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं जो सबक वजी अजम पाकिस्तान हैं वो वजी पाकिस्तान थे और स्पीकर जो हैं वो कौमी असम्बली हैं तरीके लबाइक से चौधरी रियाज सबका सूबा वजी हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इसके साथ साथ राजा जवैद अखलास सबक पार्लिमानी सेक्टरी भी हैं और सबक जिल नाजम भी हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ उनका तलक है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ की तरफ से फ़र्क सयाल जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक आम आवाम में से आए हैं जहाँ पर राजा अज कीनी जो हैं वो एक हवा का चौंका बांध के यहाँ पे आए थोड़ा आगे चलते हैं आ, लोगों से भी बात करते हैं एक दोस्त मौजूद हैं गालबन वकील हैं अच्छा मुझे ये बताएँ जी कि राजा अजमत क्या नहीं आपके साथ मौजूद है मैंने अभी इनसे मंशूर की बात भी करनी है कि आप क्या मंशूर लेके हैं क्योंकि मैंने देखा कि सारे का सारा यक तरफा अमल चल... मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर तो क्या अवाम ने या आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने कोई ऐसी तब्दीली के हवाले से सोचा है कि जिस तरह नौजवान की आदत सामने आ रही है और क्या क्या आपको इन उम्मीदें हैं बिसमिल्ल अखमार राजा अजमत अली कीनी साहब एन ए फिफ्टी टू से गुजरखान से अवमी खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में आ चुके हैं और लोग आवाम की काफ़ी अक्सरीत इनके साथ है इन शाह ये कामयाब होकर अपने इलाके की आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम करने का इनमें जज्बा है और मेरी दुआ है कि वोला करीम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार राजा अजमत अली कीनी को कामयाब करें और ताकि ये गुजरखान के जो इलाक़े के मसाइल हैं वो ये नौजवान की आदत हैं और ये अपनी भरपुर साहितें इस्तेमाल करें और केवा के, के लिए सहूलतें पैदा करें सियासी हवाले से लोग लड़ भी रहे हैं आप वो देख सकते दे, हैं मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते दे हैं कि लोग इस हवाले से बहस कर रहे हैं नौजवान आपस में बहस कर रहे हैं कि इसी हवाले से बहस कर रहे हैं कि रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं अस्पताल मौजूद नहीं है इलाजगाह मौजूद नहीं है राजा अजमत कीनी साहब आप मुझे बताएं मैं आपसे अभी भी स्टार्ट में भी ये सवाल कर रहा हूँ और शायद जिस वक्त आप जो इन में जाएँगे लोगों के पास जाएँगे भी मैं आपसे ये सवाल करूँगा मुझे ये बताएँ कि अभी तक मुझे आप समझ ऐसा नहीं आ रहा कि जिस तरह सब लोग सबस बाग दिखाते हैं तो क्या आप भी कोई मंशूर लेके आए या सिर्फ सबज बाग या लाली पॉप जैसी बातें आप भी लेके आए दूसरों की तरह देखें गरीब आदमी की खिदमत ही हमारा मंशूर है और गरीब आदमी की खिदमत करने के जज्बे से हम मैदान में आए हैं और जब, जब हमने देखा कि ये चालीस चालीस साल से तो दोनों पार्टियाँ कभी एक पार्टी आती है कभी दूसरी इन्होंने बारी बारी लगाई हुई है दोनों बुजुर्ग जो है हमारी तहसील पे काबज़ हैं दोनों की उम्र अभी स्टेज पे है कि वो हमारे लिए दुआ करें वो दोनों खिदमत के लिए आ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील की हालत यह है कि यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास उसके अलावा कौन सा मेगा प्रोजेक्ट अभी तक हमें दिया गया ये ऐलान करते हैं है कर... आप, आप देखें ना कि ये एम्बुलेंसिस जिसम चीखती चाढ़ती जाती जा रही हैं रास्ते बंद हैं ट्रैफिक ब्लॉक है और किसी किस्म का हमने देखा कि यहाँ पर ना कोई आम पुलिस का कोई बंदा खड़ा है ना ही ट्रैफिक पुलिस के बंदे खड़े हैं यहाँ पे आवाम तो शदीद परेशानी का शिकार है तो परेशानी से आवाम को कैसे निकालेंगे आप ये देखें यहाँ पे अभी सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि जितनी हुकूमती मशीनरी है वो इस टाइम सबक वजीम और मौजूदा स्पीकर के प्रोटोकॉल पर लगी हुई है पूरी सरकारी मशीनरी वो इस कदर खुफजदा है कि उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी उनके एक भाई साहब हैं वो बुला के लोगों को बेजत करते हैं मतलब थाने वालों को एस एच ओस को उनको लोगों को थ्रेट कर रहे हैं मेरे वर्कर्स को ब्लैक मेल किया जा रहा है यहाँ पर एक प्रॉपर जो है ना वो गवर्नमेंट की इलेक्शन नज़र आ रहा है जैसे वन साइड है वो सारी चीज़ों पर अपना हावी हो के वो सबक वजीम के साथ मौजूदा स्पीकर भी हैं प्रोटोकॉल उनके साथ पचास गाड़ियों का तो प्रोटोकॉल होता है वो इलेक्शन पर पूरी तरह से असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये की कि ये इस सोलह महीने में जो उन्होंने आखिरी ये दौरे दोर, सजा तीन दौरे दो, इकदार गुजारा है इस दौर में उन्होंने, उन्होंने फ़ंड को रोके रखा और एलेक्शन का कम ऐलान होते ही उन्होंने जो है न फंड तरक्याती काम शुरू करवा दिए जिससे वो वोटर को जो है न वो ब्लैक मेल किया जा रहा है गली नाली की सियासत वो कहते हैं कि हमें गली नाली की सियासत नहीं करता मैं सबक वजी अजम हूँ गली नाली से हट के उन उनकी कोई सियासत का कोई मंशूर मुझे बता दें उनका एक भाई है जिसका काम लोगों को ब्लैकमेल करना राजा साहब खुद जो है वो स्वाय गली नाली के और कोई काम नहीं कर रहे और अच्छा, हकूमती मशीनरी भरपूर तरीके आप से आपने बार हा दफा जिक्र किया नजीन आप भी सुने कि हकूमती मशीनरी जब इलेक्शन कोई जीता ही नहीं है तो मशीनरी कैसे काम कर सकती है आप कैसे बोले बादशाह देखें बात यह है कि वो सबक वजी अजम हैं मौजूदा स्पीकर हैं और इस टाइम जो है ना हकूमत सारी वो कंट्रोल कर रहे हैं सारी हकूमती मशीनरी जो है उनके कंट्रोल में है पचास गाड़ियों के काफ़िले के साथ वो गाँव हल्के में आते हैं कोई आम आदमी कैंडिडेट उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता जो दिखलास साहब जो हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं जो एक ज, ज, नायब जिला नाजम जिला नाजम पार्लिमानी सेक्रेटरी रह चुके हैं वो तो सिलेंडर कर चुके हैं मतलब उनको प्लेट में इलेक्शन दे चुके हैं राजा परवज अशरफ साहब सारे लोगों को खरीद के तो तकरीबन जो है ना वो कुमती मशीनरी थाना उनके कंट्रोल में एस एच ओस उनके कंट्रोल में मकम्मल तौर पर जुवेद अशरफ का काम है कि थाना कचहरी को कंट्रोल करना और हम इन श्ला चूँकि हम आवाम के लिए मशीनरी मुझे अभी तक समझ नहीं आई मैंने देखा कि यहाँ पे वन साइडेड बैनर एक ही पार्टी के बैनर लगे हुए हैं मैं वही वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबक वजी मौजूदा स्पीकर जो है वो कैंडिडेट है हमारे खिलाफ वो वो पूरी तरह से हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं झंडे उन्हीं के नजर आ रहे होंगे हुकूमत बनी आगे नहीं, नहीं, नहीं है तो फंड कहाँ से आ हैं गलिया मल्ले बन रही हैं सड़कें बन रही हैं तो फंड कहाँ से आगे ये वो फंड है जो सोलह महीने जो आखिरी ये इन्होंने सियाह तरीन दौरे इकदार गुजारा है इमरान खान की गवर्नमेंट का खात्मा करने के बाद उस उसके दौरान का जितना फंड था और पिछली गवर्नमेंट का जो ये वजी आजम जब रहे हैं वो पुराना फंड सारा

देखें हम आवाम को जो है ना जो एक जगाने का तरीका है हम आवाम को जगा रहे हैं और इन शब जाग चुकी है अब नई जनरेशन जो है उनको समझ आ चुकी है कि हमने किसको वोट देना है ठीक है हम आवाम का मंशूर लेके हैं जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारी पार्टी जो है पाकिस्तान मर्जी मुस्लिम लीग उनका मंशूर पहले भी क्लियर था जब हम इलेक्शन में नहीं थे जब हम इकतदार के लिए नहीं लड़ रहे थे तब भी हम आवाम की खिदमत कर रहे थे तब भी हमारे नौजवान जो हैं वो सैलाब जदगान की और जल जलाजगान मददगार से देखा उसको ठीक है लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं कि वो राजा अजमत कीनी और यहाँ पर जो दीगर सियासी लोग हैं इनके हवाले से क्या कहते हैं इन्हें क्या क्या ऐसी उम्मीदें हैं इनसे कि आ, आने वाले वक्त में जो सबका लॉली पॉप दिए गए थे जो सबज बाग दिखाए गए गए थे वो जो बारें दिखाई गई थी वो बारें आने वाले जो आवाम हैं उसके लिए सूद साबित हों और लोगों से जाके यूनियन कोस्तों में जाके पूरे पूरा जाहिर सी बात है बावन जो है बहुत बड़ा हल्का है तो यहाँ लोगों से जाकर भी बात करेंगे कि आया वो लोग जो है इस नौजवान की आदत के हवाले से राजा अजमत की आनी के हवाले से क्या सोचते हैं मेरे साथ ही रहिएगा मरकजी सदर आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन जो राजा अजमत कैनी है वो यहां पर अपनी इलेक्शन कंपेन के हवाले से यहां पर आए हैं और उनका इस इलाके के लोगों ने बड़ा भरपूर इस्तेकबाल किया उनके गले में माला डाली है फूलों के हार डाले हैं और बड़ा भरपूर इस्तेबाल किया है यहाँ पर राजा अशफाक यानी चेयरमैन है आल पाकिस्तान जो नंबरदार एसोसिएशन है उनके चेयरमैन भी हैं और यहाँ पे नंबरदारों के हवाले से भी जो है वो इनकी अपनी एक जाति बहुत बड़ी पहचान है बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग हैं इनको यहाँ पे लोग चाचा जी मामू जी कह के बुलाते हैं और जो खुश होते हैं क्यों कि जाहिर सी बात एक वकार होता है मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा जाके ये देख सकते हैं कि मेरे साथ इस वक्त इलाके के लोग सारे मौजूद हैं राजा अशफाक यानी साहब जो चेयरमैन है आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन के भी राउलपिंडी डिवीज़न के इनसे बात करते हैं जी आपके इलाके में इस वक्त आपने देखा कि एक ज़बरदस्त किस्म का नौजवान जो है वो बरसरे पेकार हो चुका है बहुत बड़े जो ताकतवर लोग हैं उनके सामने इलेक्शन लड़ने के लिए आप लोगों की इस जो इलाके के लोग हैं गरीब लोग हैं जो पिसे हुआ तबका है उसकी आवाज़ बन के यहाँ पर आ चुके हैं आप भी उनकी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं ये इलाके के लोग भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ऐसी खूबियाँ आपने राजा अजमत क्या के अंदर देखी हैं जिसकी वजह से आप जैसे बुजुर्ग आप जैसे समझदार इस, तरह, इस तरह, जिस तरह जिस तरह ये लोग हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं ये इनकी सपोर्ट करने में आ, मजबूर हो चुके हैं है। अलका 52 जो है ये बाडर है ये गुजरहान तहसील का बार्डर है तो मैं तो रैशी कलर शहीद का हूँ लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान है अजमत के इन्होंने नंबरदारी काज के वाले से भी बहुत दूर दराज तक काम किया है और इसको शौक है कि ये मैं काम करूँ आवाम के लिए खड़ा हुआ है आवाम के लिए आया है नए चेहरे जो हैं वो नए चेहरे की लोग इज़्ज़त करते हैं पुराने चेहरे जो हैं उन्होंने बहुत कुछ दिया है आवाम को गुर्बत दी है जलालत दी है अदारे में सुनाई नहीं हो रही है सिफारिशें करते हैं दो नंबर लोगों की असल में ये बंदा नंबरदार फैमिली का बंदा है इसलिए हम न, सब नंबरदार इसकी सपोर्ट करेंगे इन शब अच्छा, ने कहा यहाँ पे अकरबा परवरी की जा रही है यहाँ पे जो पुलिस का निज़ाम है दीगर जो निज़ाम है हमने देखा कि यहाँ पे नाजरीन कब्ज़े भी किए जा रहे हैं यहाँ पे हमने देखा कि हमारे साथ एक और नंबरदार मौजूद हैं आप सामने हैं जी नंबरदार साहब आप मेरे पास आएँ ज़रा यहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़े भी किया जा चुके हैं और ये जो अशफाक क्या साहब हैं जो नबरदार है यहाँ पे इस इलाके के भी और तमाम नंबरदार जितने भी हैं जो बहुत बड़ी एसोसिएशन है उसके भी जिम्मेदार हैं तो क्या वजूहत है इन्होंने अभी बताया कि आपके इलाके में कब्ज़े हो रहे हैं सारे मामलात हो रहे हैं तो आप लोग जो है नबरदार जो हैं वो उन कब्ज़ों के हवाले से आगे बढ़ चढ़ के बातचीत किस तरह कर रहे हैं क्या मुश्किल हैं आपको मुश्किल यही है कि जो कि नहीं साफ़ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और गरीबों की हमायत कर रहे हैं चले क्या साहब गरीबों की हमायत कर रहे हैं इस वक्त आपके पास राजा अजमत क्या जो आए हैं ये इस वक्त एम एन ए के उम्मीदवार हैं इलेक्शन लेने के लिए आपके पास आए हैं आपने यहाँ पे दीर बड़े बड़े बेचे आपने देखे हैं जिन्होंने इस तमाम के तमाम इलाके के बारे में नाजरन ये कहते हैं कि उनके कंधों पर उन्होंने पूरे इलाके को उठाया हुआ है लेकिन गुर्बत में पिसी ये अवामत में पिसे ये लोग इनके बचे जो जवान हैं वो यहाँ पे बहरा रवि का शिकार हो रहे हैं तो क्या वजूहत हैं आपने राजा अजमत कीानी में क्या ऐसी खूबी देखी है अच्छा कि जिसकी वजह से अच्छा आदमी है राजा अजमत कीनी बहुत अच्छा आदमी है और लम्बरदारी हवाले से भी असा भी लम्बरदार हाँ भरावा साढ़ा असा इसी और सपोर्ट करेंगे वोटा देवेंगे और बहुत अच्छा आदमी है जानी साहब यहाँ पे हमने देखा कि आप बार्डर पे मौजूद हैं अपने एन ए फिफ्टी टू जो है यहाँ पे आप बड़े बड़े जो ज़बरदस्त नाम है बड़े नाम है वज़ी अजम पाकिस्तान भी यहाँ पे रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप इनके सामने डट के मुकाबला करने के लिए आ गए हैं तो क्या आप समझते हैं कि आप उनको कहाँ तक उनको टफ टाइम देंगे देखें बात यह है कि मैं गरीब आदमी के लिए खड़ा हुआ हूँ गरीब आदमी की आवाज़ हूँ और इन गरीब आदमी ने और आम आदमी जो है उसको जिस तरह इन्होंने चालीस साल से बेवकूफ़ बनाया हम उसको जो है ना उजागर कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से आवाम मेरे साथ खड़ी है और भरपूर तरीके से मैं अपने जो है हकूक़ का दफ़ा करूँगा और दफ़ा कर रहा हूँ और दफ़ा करूँगा इन शह ये जो है ना इलेक्शन इस बड़े बड़े नामों को जो है ना वो बुरे तरीके से आवाम जो है वो कर देगी हाँ बड़े बड़े नामों को जो है वो आवाम जो है वो रद्द कर देगी एक जवान मेरे साथ खड़े हैं आप बताएं जी आप जवान हैं माशाला यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसी सहूलियात मौजूद है जवानों के लिए कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड कोई अस्पताल कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पर जाकर नौजवान कुछ अपना वक्त पास कर सके और राजा अजमत कहानी से क्या क्या उम्मीदें आपको जी यहाँ पर कुछ भी कोई मैदान नहीं है खेलने के लिए न कोई अस्पताल है अजमत कहानी बहुत अच्छा आदमी है ठीक है हमारा भाई है तो हम इसको फुल सपोर्ट करेंगे और वजी अजम राजा परवेज अशरफ का डट के मुकाबला करेंगे जवान ने बताया कि यहाँ पे कोई ऐसी कोई ऐसी स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पर सहूलियात भी कोई नहीं है वजीर अजम पाकिस्तान रहने के बावजूद इस इलाके की जो खदमांत हैं शायद वो ज़बानी गी है राजा अजमत कीाननी यहाँ पर अपने एलेक्शन कम्पेन के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं अभी इनके जो हलका है जहाँ पर इनका दफ्तर है आमने वहाँ भी जाना है और वहाँ भी बहुत से ऐसे लोग बातें मौजूद होंगे क्योंकि अजमत कीनी इलेक्शन लड़ रहा है तो हम आगे चलेंगे और लोगों से भी बात करते हैं मेरे साथ है के हवाले से इस वक्त हम गुजर खान में मौजूद हैं गुजर खान शहर शहर के अंदर मौजूद हैं और गुजर खान शहर के हमने जिस वक्त आलात तो वाक़त देखे कि गुजर खान में हर तरफ एक जबरदस्त किस्म का समाप बंधा हुआ है इलेक्शन की तैयारियाँ जो हैं अरूज पर हैं और ख़ासकर हमने देखा है कि यहाँ पर इलेक्शन की तैयारी के हवाले से जो अरूज नजर आ रहा है उसमें यह है कि सियासी लोग इस वक्त जो है ज़बरदस्त किस्म की गेमा गेमी बड़ी बड़ी पराठों बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो इस वक्त बागम बाग लगे हुए हैं समझ से बालातर ये बात है कि उनकी ये दौड़ें क्यों हैं क्योंकि सबक दौर में भी हमने देखा किसी तरह बड़े बड़े ट्राले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें जो है लोगों के घरों में जाती थी गरीब लोगों के घरों में जाती थी और उन जो उनको अपने अपने हवाले से बताते थे लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ जो बंदा मौजूद है राजा अजमत कीानी पैदल कंपेन कर रहे हैं लोगों के घरों में जा रहे हैं उनके साथ मौजूद हैं राजा अशफाक अशफाकनी साहब मौजूद हैं वो भी इसी तरह जाके जिस तरह खुद गरीब हैं इसी तरह गरीब का दर्द भी रखते हैं अपने दिल में और जाहिर सी बात है बात जब गरीब की करनी है जब किसी ज़रूरतमंद की बात करनी है जब किसी इलाके की फलाह की बात करनी है जब किसी इलाके के अंदर मौजूद अस्पताल की बात करनी है जब किसी इलाके के अंदर जो हमारी नौजवान जो है मैंने पहले भी कहा था कि बहरा रवि का शिकार हो रहे हैं उनके इलाज माजे की बात करनी है उनको मनशात फ्ररोशों से दीर लोगों से बचाना है उनको उनकी जो नौजवानी है वो वापस दिलानी है मेरे साथ राजा अजमत कैनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं राय साहब मुझे ये बताएं इस वक्त आप मौजूद हैं गुजर खान के इलाके मौजूद हैं आपके सामने सबक वज़ी अजम पाकिस्तान इसके साथ मुस्लिम लीग नून इसके साथ तरीके लबैक इसके साथ दीगर बड़ी जमातों को पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस तरह की जमातें मौजूद आपके सामने मौजूद हैं और उनके बैनर सारे शहरों में भरे हुए हैं तो आपका अपना चूँकि आप पैदल हैं जी नाजीम ये पैदल शख्स है पैदल लेकिन पैदल होने के बावजूद गरीब की आवाज़ बनने की वजह से जिस वक्त यहाँ पर आपके पास आया आपके दरवाजे पे आए हैं आपसे वोट लेने के लिए आए हैं तो इनसे पूछना चाहिए ना कि आपके लिए क्या फ़लाई इकदाम करेंगे आपके पास क्या मंशूर है कि आप इन लोगों की बात करते हैं इनकी फलाह की बात करते हैं कोई मंशूर आपके पास है कि इनको क्या फ़ायदे देंगे क्यों कि ये हमारा जो मुल्क है इस वक्त बेरोज़गारी का मारा हुआ है ये हमारे नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं हमारे नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है बेरबी का शिकार हो चुके हैं मनशात की लत में पड़ चुके हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड उनके पास मौजूद नहीं हैं इलाके की माँ बहनों के लिए अस्पताल मौजूद नहीं हैं सच्चा बच्चा अस्पताल यहाँ पर मौजूद नहीं है गैस पानी बिजली के सबक दौर में जो वादे किए थे क्या आप इस इलाक़े के लोगों को फिर से सबस बाग दिखाने के लिए आए हैं या कुछ करेंगे बात यह है कि पाकिस्तान मर्जी मुस्लिम लीग जो है उनका सबका अगर दौर देखा जाए तो तब तो इलेक्शन नहीं था ना इलेक्शन था ना जमूरियत थी ना कोई और चीज़ थी ना मत तब वोट मांग रहे थे जब मुजफ्फराबाद में जलजिला आया तो पाकिस्तान मर्जी मुस्लिम लीग के ही जवान थे कि जो वहाँ पर खदमत कर रहे थे जब सैलाब आया तो तब वहाँ पर भी पाकिस्तान मर्जी मुस्लिम लीग के नौजवान मौजूद थे जब आपका जो है ना करोना आया तो करोना में भी पाकिस्तान मर्जी मुस्लिम लीग के नौजवान जो है वो हर लम्हे जब लोग सो रहे थे वो लोगों को सहरी पहुँचा रहे थे वो लोगों की खिदमत कर रहे थे हमने सबका दौर में भी खिदमत की है आप सियासी मैदान में पाकिस्तान मर्जी मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद हम इन शह खिदमत की सियासत को फरोग और आम आवाम आदमी की बात करते हैं आम आदमी की बात आप कर रहे हैं आपने पिछले दौर में मुझे ले गए हैं कि वहाँ पर जो है आफज खालत नया गुजर साहब जो हैं पाकिस्तान मरजी मुस्लिम लीग रावलपिंडी जो है वो उन्होंने बड़े काम किए बड़े कार आए आप अपना बताएं क्योंकि यहाँ पे लोगों ने वोट देनी है राजा अजमत कियानी को पार्टी को नहीं क्योंकि पार्टियों के जानसे में बहुत से लोग जो है ना वो बड़ा बड़ा अपना नुकसान कर चुके हैं देखें हम यहाँ पे भी वही जो खिदमत का मंशूर लेके हमारी पार्टी जो खिदमत का मंशूर लेके आइए वही मंशूर हम उस गुजरखान में भी लेके आए हैं और इन शाला गुजरखान में भी हम प्रॉपर तंजीम साजी कर रहे हैं और यहाँ भी गली महल में आठ फरवरी के बाद भी हम आवाम में मौजूद होंगे और आठ फरवरी के बाद भी ये खिदमत का सिलसिला चलता रहेगा आठ फरवरी आएगी चली जाएगी रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन जो हमारा खिदमत का मंशूर है वो जारी रहेगा और इन शाह हम गुजरखान ज़िला बनाओ ये जो चालीस साल से दोनों पार्टियाँ बरसरी इकतदार हैं ये मतदल दफा गुजर खान की सियासफेद के मालक रहे हैं और अब बदकस्मती से हालात ये हैं कि गुजरखान में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास गुजर खान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है वहाँ का कोई बड़ा जो है ना वो हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है और ये कहते हैं हम वजी रहे आप वजी रहे तो आप अपने लिए रहे आपकी नस्लें रंगी गई हैं भाई आपने वो अपनी नस्लों को इतना कर दिया कि उन्हें तो अगले पचास साल काम करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की जरूरत है इलेक्शन तो जहरी बात है और नहीं लड़ेंगे तो उनका तो कारोबार है हम तो खदमत के लिए आए हैं और आज भी और कल भी इनशाला आठ फरवरी के बाद भी हम मैदान में रहेंगे और मैदान में ही रहेंगे राजा प्रोजर शिफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का जो पहला फैसला हमने किया उन्होंने नंबरदार काज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हम जब नंबरदार इख्तरात बहाली की तहरीक चला रहे थे तो राजा साहब उसमें रोड़े अटका रहे थे ये वो शख्स है जिसने नंबरदारों को पीछे बक अपनी बैक पोजीशन और मजीद कमज़ोर करने की कोशिश की जिसकी वजह से मैं अपनी पग और अपने नंबरदारों की इस तो तकरीम के लिए मैं खड़ा हुआ और इन हम इनका मुकाबला करेंगे और अच्छे तरीके से इनको बताएंगे कि इनकी चालीस साल खदमात जो है ना वो आज भी ये मतलब इतने खुफजदा हैं अच्छा आप आपने बात की कि बड़े खुफजदा हैं आपके इलेक्शन से बड़े खुफजी बात है जिस वक्त किसी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा जाए तो एक खौफ की लहर तो तारी होती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी एक पार्टी खड़े होने से किसी एक नौजवान के आप जैसे नौजवान खड़े होने से कुछ वोटों में कमी हो जाती है तो क्या आप सिर्फ वोटों में कमी के लिए आए हैं या आप कोई ऐसी जो जीतने के दोनों आपके अंदर नहीं ऐसी बात नहीं है मेरा और राजा प्रदेश का मुकाबला होगा और उन्नीस बीस का मुकाबला होगा इन राजा साहब का नबरदार तो मैंने देखा नबरदार इस वक्त सारे आपके साथ हैं नबरदार इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं हम जो रास्ते से सफर कर गए हैं बहुत सारे नंबरदारों ने हमारे साथ रबा भी किया बहुत सारे नंबरदारों ने रास्ते में हमारे इस्तेबाल भी किए तो नंबरदार कास्ट के लिए आपने बड़ी मेहनत की है तो मुझे ये बताएं कि नंबरदार डट के आपके आप साथ खड़े हैं नंबरदार डट के मेरे साथ खड़े हैं और इन जो है ना हम एक बहुत बड़ा इतिहाद अनाउंस करने जा रहे हैं अगले एक आध दिन में उस इतिहाद के बाद जो है ना मुकाबला यकतरफा हो जाएगा राजा प्रदेश तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं नंबरदारों ने इनके साथ वादा वेद भी किए हैं कि हम जो हैं राजा अजमत क्या ने हमारी शान के लिए हमारे काम के लिए बड़े मेहनत की है तो मुझे बताएं चूँकि आप रिप्रजेंट करते हैं नंबरदारों को तो क्या तमाम नंबरदार जो है वो राजा अजमत क्या की सपोर्ट कर रही है देखो बात ऐसी है कि बात नंबरदारों की नहीं है नंबरदार जो अदारा है ये फेयर अदारा है और ख़ानदानी अदारे घरने के लोग हैं ये नए चेहरे जो है ना पुराने चेहरे तो सब ने देख लिए हैं हमारी कोशिश है कि नए चेहरे को मौका दिया जाए ताकि मुल्क के लिए कोई बेहतरी सोचें क्योंकि ये जो पुराने लोग हैं ये लोगों की पुष्पनियाँ करते हैं कब्ज़ा माफिया के पास भी मिले मिले हुए हैं ये लोग जो हम है हम नंबरदार हैं हम अच्छे खानदान के लोग हैं हम सीधा काम करेंगे अमन अमान समझ गए इसलिए हम तमाम अजमत कीनी की सपोर्ट करेंगे ये हमारा भाई है नंबरदार भाई है सपोर्ट करेंगे थैंक यू आप मुझे ये बताएं जी कि आप माशाल्लाह इस वक्त एक वोट कास्ट करने के हाले से आप एक कोशिश कर रहे हैं राजा अजमत कीानी आपके सामने मौजूद है नया एक जज्बा है नया खून है नया बलबल है नौजवान है तो मुझे आप ये बताएं कि आप इस नौजवान के क्या समझते हैं कि ये दीगर जो लोग वादे वहीद कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क की साख को अक्सर औकात लोग कहते हैं कि नुकसान भी पूछाया है आप क्या समझते हैं राजा अजमत कहनी जो है ये कहाँ तक देखे जी हमने तकरीबन सब का ही दौर देखा है ठीक है जी सब के वदे देखे हैं सब के हालात देखे तो हम खुद भी ये चाह रहे हैं अब ये अवाम भी चाह रही है कि इसमें कोई चेंजिंग आनी चाहिए ठीक है जी जहाँ तक राजा अजमत साहब की बात है ये हमारे यंग नौजवान हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि इनको आगे लाया जाए ताकि हमारा कुछ ना कुछ हालात जो हैं वो बेहतर हो सके मुझे ये बताएँ कि आपके इलाके में क्या क्या, क्या ऐसी ज़रूरियात हैं क्या क्या ऐसी ज़रूरियात हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि राज्य अजमत के नहीं जिस वक्त आपके पास आएँ जीत के आएँ तो आप इनके लिए क्या क्या आपके सामने ऐसे मसले मसाल हैं ऐसी ज़रूरियात हैं ताकि वो इनका यह हाल करवाएँ देखिए जी सबसे पहले जो हमारे अपने इलाके के हवाले से जो राजा परवेजा अशरत साहब मतलब कैंडिडेट थे हमारे पहले वो सबका वजे अजम भी रह चुके हैं लेकिन हमारे इलाके में काफ़ी प्रॉब्लम है जो हमारी सकावत के खिलाफ हैं जो कि नहीं हो रही हैं ठीक है जी क्योंकि ये इलाका ख़ता पटवार है इसमें हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कोई भी हमारा इमट नहीं हुआ है उनके दौर में जब तक हमारी सकाफत ज़िंदा नहीं रहेगी ठीक है हमारा कोई नाम नहीं आएगा जो खिता पटवार है, है इसके अंदर कोई सकाफतें हैं हमारे कोई घुड़सवार हैं कोई दान तमाशा है कोई मतलब हमारे कल्चर है उसमें राजा साहब ने हमारे साथ इस तरह का कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि है की बात कर रहे हैं आप जी राजा पर अच्छा, बात कर रहे हैं ठीक है जी तो ये सारी खूबियाँ आप राजा अजमतनी में देखना चाह रही जी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे ये भाई मुंतखब होकर आएँ और हमारी उम्मीदों पर ये पूरा उतरें तो जहां तक हॉस्पिटल की बातें हैं, यह तो चालीस हम देख रहे हैं इसी तरह ही हम खा रहे धक्ए बावन के जहां से ये एन ए बावन शुरू होता है गांव के छोटे छोटे गांव थे वहां भी हम गए हैं और इस वक्त मौजूद हैं एन ए बावन के बॉर्डर के ऊपर जहाँ से आने बावन ख़त्म होता है इस दौरान इस पूरे के पूरे हल्के में हमने लोगों से बातचीत की इलाके के लोगों की हमने मसाइल जाने की जानने की कोशिश की उनसे बात की उन्हें नए आने वाले उम्मीदवारों के हवाले से भी बताया उनसे जो सबका उम्मीदवार थे जो सबका यहाँ पे बरसरेदार भी थे उनके बारे में बात जिस वक्त की तो लोग सख्त नालान नजर आए क्यों कि सबका जो लॉली पॉप उनको दिए गए थे उससे अवाम बेहद परेशान है उनके मस्ते मसाइल जो हैं है जू के तू हैं यहाँ पर जो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा संगीन निज़ाम जो नजर आया है वो पुलिस के हवाले से कि पुलिस गर्दी यहाँ पे मौजूद है सियासी बुनियादों पे जो थानों के अंदर पुलिस को जो ज़िम्मेदारान जो एस एच ओ जो दीगर जिम्मेदारान हैं वो लगाए जो गए हैं वो सियासी बुनियादों पर लगाए गए हैं यहाँ पर लोगों ने यह भी गिला किया कि इलेक्शन के हवाले से सियासी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है इसके साथ लोगों ने अपने दीगर मसाइल बताए कि उनकी औलादों को मनशात फ्रोशी की तरफ रागब किया जा रहा है लेकिन पुलिस या यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो तो किसी किस्म का ऐसा कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं राजा अजमत कीानी के हवाले से जिस वक्त हम लोगों से बात की चूँकि नए उम्मीदवार हैं और यंग हैं कुछ कार गुजरने का जज्बा लेते है। और साथ से हैं और सबसे अहम बात के बड़ी शख्सियात मुल्क की ताकतवर और नामवर शख्सियात के सामने जिस वक्त राजा अजमत कीानी जैसी नौजवान क्यादत सामने आ रही है तो लोगों ने उनको यकीन दानी कराई है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे भरपूर सपोर्ट करेंगे लेकिन अगर आपने भी इन लोगों की तरह वादे किए जो सबका वादे थे तो फिर हम सख्त मायूस होंगे अपने मेजबान चौधरी दानवरी को आज के सियासी अवाल से दे इजाज़त नए प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद